दो तीन चार, एक दो तीन चार, क्या हल्का क्या होता भार, ऊपर नीचे दूर पास, जमा घटा गुणा और भाग। अरे ठहरो, जरा समझ तो ले। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम उछल कूद। सुनो, आज मैं सुनाऊंगा कहानी। कहानी में खेल क्या है ये भी तो बताओ। खेल यही है, कहानी सुनो और गणित से पूरा करो। जल्दी सुनाओ कहानी। हाँ, इसमें बहुत मजा आता है। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आता है। अब कहानी सुनाना शुरू भी करो। हाँ, तो कहानी मेरी ऐसे है। एक जंगल में रहते थे चार दोस्त, गिलहरी, खरगोश, घोड़ा और मेंढक। क्या दोस्ती थी। चारों खूब उछलते कूदते और मस्ती करते, हमसे भी ज्यादा। एक बार वहाँ पर दूसरे देश के जंगल से एक कंगारू आ गया। क्या घूमने आया था। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया से आया था ना। हाँ बिल्कुल ठीक। कंगारू ने इन चारों दोस्तों से दोस्ती कर ली। गिलहरी से, खरगोश से, घोड़े से और मेंढक से। अब वो पांच दोस्त बन गए थे। अब पांचों खेलते कूदते और मस्ती करते, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक। आगे क्या हुआ। एक दिन कंगारू ने कहा कि चलो आज हम छलांग लगाने का खेल खेलते हैं। छलांग लगाने का खेल, ये कैसा खेल है। अरे बड़ा अच्छा खेल था। खेल का नाम सुनकर गिलहरी, खरगोश, मेंढक और घोड़ा खुश हो गए। कंगारू ने जमीन पर एक लाइन बनाई। फिर क्या किया। फिर कंगारू ने उस लाइन में एक बराबर की दूरी पर 30 पत्थर रख दिए। 30 पत्थर एक लाइन में। हाँ बराबर की दूरी पर। फिर कंगारू ने ऐसी छलांग लगाई कि वो एक ही छलांग में 30वें पत्थर पे पहुंच गया। 30वें पत्थर पर एक ही छलांग में। हाँ एक ही छलांग में, इतनी बड़ी छलांग। तब घोड़ा बोला, अब मैं कूदूंगा। तब घोड़े ने छलांग लगाई। हाँ उसने एक छलांग लगाई और वो 15वें पत्थर पर पहुंच गया। एक छलांग में 15 पत्थर, एक छलांग में 15 पत्थर। एक छलांग में 15 पत्थर, एक छलांग में 15 पत्थर, एक छलांग में 15 पत्थर। अब आगे तो सुनो। हाँ सुनाओ। घोड़ा दो बार में 30वें पत्थर पर पहुंच गया। अब आई खरगोश की बारी। बारी वो तो एक छलांग में 5वें पत्थर तक ही पहुंच पाता था। 30 को 5 से भाग दे तो आया 6। खरगोश को तो 6 छलांगें लगानी पड़ेगी। हाँ खरगोश ने 6 छलांग लगाई तो वो 30वें पत्थर पे पहुंच गया। अब गिलहरी का क्या होगा। 10 मुझे तो लगता है गिलहरी 10 छलांग में 30वें पत्थर पे पहुंचेगी। वाह तुमने क्या ठीक बताया, मेरी कहानी में यही था। गिलहरी ने 10 छलांग लगाई और वो पहुंच गई 30वें पत्थर पर। लेकिन नन्हे मेंढक का क्या होगा। वो तो इतना छोटा सा है। हाँ मेंढक इतना छोटा था कि वो सिर्फ एक छलांग में दूसरे पत्थर तक ही पहुंच पाता था। बेचारा मेंढक। इसका मतलब मेंढक को 15 छलांग लगानी पड़ेंगी। हाँ उसने 15 छलांग लगाई तो पहुंचा 30वें पत्थर पर। वो तो रोने ही लगा। मैं तो हार गया। उसे तो बहुत दुख हुआ होगा ना। हाँ उसे दुखी देखकर सारे दोस्त दुखी हो गए, सब उदास हो गए। तब कंगारू बोला, अरे दोस्त तुम हारे नहीं बल्कि जीते हो, फर्स्ट आए हो। तब कंगारू ने कहा कि पहुँचे तो सब 30वें पत्थर पर, मैं तो सबको टॉफियां देने वाला था छलांग लगाने पर। जिसने सबसे ज्यादा मेहनत करी उसे सबसे ज्यादा टॉफियां। अरे कंगारू तो बस
एक ही छलांग में तीसवें पत्थर पर पहुंच गया था ना, इसलिए उसे मिलेगी सिर्फ एक टॉफी। हाँ, और घोड़े को मिलेगी दो टॉफी। हाँ, घोड़ा दो बार में तीसवें पत्थर पर पहुंच गया। और हाँ, खरगोश को मिलेंगी 6 टॉफी, उसने 6 छलांग लगाई थी। लैरी को मिलेंगी 10 टॉफी, उसने 10 छलांग लगाई थी। हाँ हाँ, ठीक कहा, 10 छलांग लगाई थी। और जीता कौन? उसे मिली 15 टॉफी क्योंकि उसने 15 छलांग लगाई थी। खुश हो गया और सब उछल कूद करने लग गए। वाह, क्या कहानी थी। हम भी ऐसे उछल कूद करते तो। उछल कूद, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार ईशान, वंश, आईनीश, तन्मय, तनीषा, मृत्युंजय, अभिनव, हंसिका, रेणुका, लवनीश और रितिका। ध्वनि अंकन बटी लैंग लिंगडो और सरोज महापात्रा। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। आलेख, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।